नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। गंगा सप्तमी के शुभ अवसर पर अनामिका चौधरी, प्रांत संयोजक गंगा विचार मंच व सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में गंगा तटीय क्षेत्रों में अनवरत साफ सफाई का कार्य करने वाले नगर निगम के कर्मचारी सेवानिवृत्त कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारी तारा देवी को माल्यार्पण तथा अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मास्क, फल आदि का भी सभी कर्मचारियों के बीच वितरण किया गया। नेहा व विजय केसरी, नीलम शुक्ल, कैप्टन सुनील निषाद, सोमनाथ मिश्रा, वीरेंद्र गुप्ता, अनु निषाद, आलोक निषाद आदि प्रमुख लोगों ने सभी लोगों को फलों का वितरण किया। इस अवसर पर अनामिका चौधरी ने अपने विचार प्रस्तुत किए, आइए सुनते हैं। निगम वार्ड 17 दारागंज में सफाई कर्मचारियों का आपने सम्मानित किया है, अभिनंदन किया है, आज क्या कार्यक्रम था? इसके पूर्व आज हम लोग ने सफाई कर्मचारी जिनका आज अवकाश समाप्त हो गया है, आज ये रिटायर हो रही है, इनका आज हम लोग ने अभिनंदन किया, सम्मान किया और इनसे माँ गंगा से ही प्रार्थना करेंगे कि आज इनका यह दूसरा जन्म हुआ है। पहला जन्म इन्होंने समाज के लिए समर्पित किया और दूसरा जन्म फिर ये अच्छे से प्रसन्नतापूर्वक और समाज को अपना ऐसा संदेश देते हुए अपना जीवन बिताएंगी। मैं तो कहूँगी माँ गंगा के स्वच्छता में ही अपने जीवन को व्यतीत करें, माँ गंगा के शरण में रहे, माँ गंगा आपको स्वस्थ रखे और आप ऐसे समाज के लिए काम करते रहें, माँ गंगा की स्वच्छता के लिए काम करते रहें। पूर्व भी हम लोग ने सफाई कर्मचारियों का अभिनंदन और सम्मान किया था और आज फिर इस कोरोना काल में ऐसी परिस्थितियों में भी आपने समाज को जो दिखाया है, जो बताया है, स्वच्छता करके उनके बीच में रहकर, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और माँ गंगा से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें। इसी के साथ ही इस अवसर पर सफाई व खाद निरीक्षक एएस तिवारी, सफाई नायक सुनील कुमार व रामानंद विनय कश्यप के साथ सभी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इससे प्रतीत होता है कि वाकई ये बहुत ही बेहतर कर्मचारी रही। आज अंतिम दिन भी इन्होंने पूरी निष्ठा से अपना कार्य किया है, अपनी बीट का कार्य जो इन्होंने आवंटित किया गया उसको करके उसके बाद ही फिर आज यहाँ उपस्थित हुई है। और इस कोरोना जैसे भयानक महामारी के दौरान एक महिला होगी, महिला सफाई कर्मचारी होगी, जिस तरह से इन्होंने अपने कार्य को संपादित किया है सेवानिवृत्ति के दिन तक, यह बहुत ही सराहनीय रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनसे और सफाई कर्मचारी को प्रेरणा मिलेगी कि ये इस तरह से कर्मचारी होना चाहिए। इनको किस किनके माध्यम से इनको सम्मानित आज के डेट में किया गया सर? दुख इसी बात का है कि कोरोना की वजह से या किसी और कारणवश हमारा नगर निगम हमारे सफाई कर्मचारी को सम्मानित नहीं कर सका है, जबकि नगर स्वाधिकारी और नगर आयुक्त के माध्यम से इन्हें सम्मानित होना चाहिए, मगर कोरोना की वजह से और उसी में सारे अधिकारी व्यस्त हैं, उसमें लगे हुए हैं, इसलिए किसी को सामूहिक रूप से कोई प्रयोजन कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण बस इनका सम्मान नहीं हो सका है, मगर बाद में हो सकता है कि इस पर विचार किया जाए। अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम शिवेश कुमार तिवारी है, मैं यहाँ पर सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ और ये मेरे अधीन कार्यरत हैं।